नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद में जमीन कब्जा करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां अधिकारियों की उदासीनता के चलते भूमाफिया दबंगई के बल पर जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं, वहीं गांव की सेना से रिटायर्ड पूर्व फौजी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डीएम से लेकर सीएम तक फरियाद कर चुका है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने के चलते भूमाफिया सरकारी जमीन के साथ साथ स्कूल व मंदिर की जमीन कब्जा कर बिक्री करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर देहात जनपद के खान चंद्रपुर तहसील अकबरपुर का है, जहां गांव की सेना से रिटायर्ड भूतपुर प्रधान अशोक कुमार द्वारा बताया गया कि गांव के ही दबंग भूमाफियाओं के द्वारा गांव की सरकारी भूमि मंदिर तथा स्कूल की जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा करते हुए भूमाफिया बिक्री करने में लगे हुए हैं। वहीं भूतपूर्व प्रधान द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा कानपुर देहात डीएम से लेकर सीएम तक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं पूर्व प्रधान द्वारा बताया गया कि आदेश मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल सुरेश चंद्र यादव ने मौके पर स्थलीय जांच करते हुए तथ्यहीन निराधार गलत रिपोर्ट अधिकारियों को प्रेषित कर दी, जिसके चलते भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं पूर्व प्रधान द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए उच्च अधिकारियों की उपस्थिति ग्राम सभा की जमीन को पैमाइश करने को लेकर अपील की गई, जिससे कि ग्राम सभा की संपत्ति की सुरक्षा हो सके। साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा गलत रिपोर्ट प्रेषित करने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी अपील की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी ग्राम सभा खान चंद्रपुर की जमीन की जांच कब करते हैं। पूर्व प्रधान ग्राम सभा की जमीन कब्जा मुक्त करवाने को लेकर अधिकारियों से लगातार अपील कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद जांच में क्या निकलता है। नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा खान चंद्रपुर तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात। अच्छा यार, ये बताइए, आपके द्वारा जो लगातार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है जमीन कब्जा करने के संबंध में, तो क्या है पूरा मामला? मैं श्रीमान 2010 में 1 सितंबर को रिटायर हुआ था, सेना सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद ग्राम सभा की जनता ने मुझे प्रधान पद के लिए चुना गया। फैक्ट्री वाले बहुत पहले कब्जा करा चुके थे। जब से मैं प्रधान बना, हमने बराबर हस्तक्षेप किया। अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी फैक्ट्री मिल मालिक को हमने सरकारी जिम्मे अवैध रूप से कब्जा नहीं करने दिया। लास्ट पॉइंट पे जब हमको सरकारी जमीन के चक्कर में फंसा गया, 9 दिन मुझे फर्जी जेल भिजवाया गया। उसी बीच में 338 अंगा में जो सरकारी जमीन दर्ज हाईवे किनारे, वहाँ पे लोगों ने पैसा लेके, गांव के लोगों ने, और वो यादव फैक्ट्री मालिक जो है जिसमें पत्थर पिसाई होती है। 11 तारीख को मैं जेल गया था और 12 तारीख को बाउंड्री बननी शुरू हुई थी। तब से क्रम शुरू हो गया और मुझे चुनाव गिनती में हराया गया, या मैं हारा ये भगवान जानता है, जिसका मुकदमा अभी तक चलता रहा सुमन देवी के नाम से और मेरी पत्नी नाम था रेखा। अच्छा, ये जमीन कब्जा करने का जो मामला है, आपने किन किन अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है? श्रीमान, मैं कमिश्नर साहब को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ जाकर ऑफिस में दिया, माननीय मौर्या जी के यहाँ दिया जाके, माननीय जो आपके लेखाधिकारी हैं वहाँ पर एप्लीकेशन दिया। अधिकारियों को एप्लीकेशन देने के बाद में उसमें आदेश तो होता है, लेकिन लेखपाल साहब फैक्ट्री मिल मालिकों पर और जो हमारी ग्राम सभा के जो प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं, जो भूमाफिया काम कर रहे हैं, क्या नाम उनका, उसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे अमित यादव हैं, राजू रानू शर्मा हैं, उनके भाई आजू शर्मा हैं, और जो वर्तमान में प्रधान रहे हैं उनके बच्चे कमांडू हैं, इनका जिनका नाम अरुण कुमार है, और धर्मेंद्र कोटेदार हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। करीब कहने मतलब आधा दर्जन लोग जो भूमाफिया है उनके द्वारा, आधा दर्जन से लोग बहुत ज़्यादा 30-35 लोगों की संख्या है, जिससे हमें लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, जो हमें फर्जी जेल में भिजवा चुके हैं। एक श्री किशन यादव जो शिवनाथ प्रवाह के रहने वाले हैं, ये पुराने प्रॉपर्टी डीलर है, इन्हीं के सब ये चेला है। अच्छा, जो जमीन है तो क्या वो सरकारी भूमि जीएस की है या क्या है? फिलहाल अभी जो जमीन जो हमने शिकायत किया है, 2.5 बीघा उस स्कूल दर्ज है प्राइमरी पाठशाला के नाम से, 355 गाटा संख्या में प्राइमरी पाठशाला के नाम से 2.5 बीघा स्कूल दर्ज है, 1 विश्वा देवस्थान दर्ज है, और लगभग 15 से 16 बीघा के करीब उसमें सरकारी जमीन दर्ज है, जो पूर्व में बहुत पहले सन 80 और 75 के बीच में पाल समाज के लोगों ने अपना कच्चा मकान बनाया हुआ था, उसके बाद उन्होंने पक्का बना लिया।